वो भी दिए गए हैं, और पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था करने के लिए एडिशनल एसपी साहब इसमें मीटिंग में उपस्थित थे, और उनके द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप, और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ड एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। संघ लोक सेवा आयोग की आईएएस परीक्षा 10 अक्टूबर को है। परीक्षा दो पारियों में होगी। प्रथम पारी 9:30 से 11:30 बजे तक, 2 घंटे की, और सेकंड पारी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, 2 घंटे की रहेगी। अजमेर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर कुल 7,081 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। उसके लिए जो भी केंद्राध्यक्ष और अन्य अधिकारी परीक्षा के लिए लगाए गए हैं, उनकी ब्रीफिंग करके और उनको सारे दिशा निर्देश आज की मीटिंग में दिए गए हैं। इसमें दिल्ली से यूपीएससी की ओर से आए हुए ऑब्जर्वर भी थे, तो उनके द्वारा भी जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से वो भी दिए गए हैं, और पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था करने के लिए एडिशनल एसपी साहब इसमें मीटिंग में उपस्थित थे, और उनके द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 3 पुरुष और 2 महिला पुलिस कर्मियों की व्यवस्था फ्रिस्किंग के लिए की गई है। इस प्रकार से परीक्षा के लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। नकल रोकने के लिए यूपीएससी की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर जेमर लगाए गए हैं, जिनसे कोई मोबाइल आदि वहाँ परीक्षा केंद्रों पर काम नहीं कर पाएंगे, और फ्रिस्किंग में किसी भी परीक्षार्थी को इस तरह की कोई सामग्री ले जाने की इजाज़त नहीं है जिसे अनुचित साधन के रूप में प्रयोग में लिया जा सके, तो उनको सभी को फ्रिस्किंग के समय निकलवा लिया जाएगा चेक करके। और इसके अलावा परीक्षा केंद्र में जो इन्विजिलेटर हैं या अन्य किसी रूप में परीक्षा के आयोजन में लगे हुए हैं, उनमें से किसी को भी मोबाइल परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। ड्रेस कोड के इसमें किसी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं हैं, फिर भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे फ्रिस्किंग अच्छी तरह से करें, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से चेक करें। यूपीएससी की तरफ से कोई जो है ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया। नेट वेट तो बंद नहीं, नेट बंद करने की इसमें किसी तरह के दिशा निर्देश नहीं है।